अच्छा वर्षिम भाई आपको इसी गोल बना आयो हाँ कहीं कहीं सावधान रखने पड़े मना बार जैसे पहले तो सब आके नींबू ले आयो सुखा के अंदर की सुनी निकाल लो निकाल के और निकाल के कुट के पीस के जल्दी से जल्दी भी सुनी निकाल लो ज्यादा दिन नहीं है जब ज्यादा दिन कम ज्यादा दिन हो जाए तो वो सुनी कमजोर पड़ जाती है कमजोर पड़ जाती है। हाँ जैसे 15 लीटर में एक गिलास तो एक गिलास ही डालना चाहिए। डालो हाँ उसको बराबर ही एक टंकी मतलब एक गिलास ही डालो। हाँ अच्छा वर्षिम भाई तो आपने जो दवाई तैयार करी है हाँ इन्हें क्या क्या लाभ हुआ अपन जैसे बहुत सा लाभ है। एक तो पैसा भी नहीं लगता है इन्हें इना बाद जैसे अपना शरीर को भी नुकसान नहीं होता है। हाँ शरीर में नस नस में ये अंदर रंजस भी है तो वो भी इससे तो वो फायदा बहुत होता है स्वस्थ रहता है शरीर। और दूसरे जैसे कोई घर में पड़ी रहे लड़ाई झगड़ा होता है कोई पी ले तो वो भी नहीं पी लेता तो भी उससे नुकसान नहीं होता। और उन्हें बाद गाय वैसे भी नुकसान नहीं होता जैसे फल फूल पे खाते हैं तो फल फूल से फल फूल वाली सब्जियाँ भी असर अच्छी करती है वो नुकसान नहीं होता है। अच्छा वर्षिम भाई तो गोल तो तैयार हो गया आपने। हाँ हमारा किसान भाई है कोई संदेश देना चाहो तो। हाँ मारो यही कहना सब किसान भाई पहले से अगर समय आवे लिंबोली को उन्हीं टाइम में एक हट्टी लिंबोली बेगी कर ले उसके बाद ऐसा मैंने गोल तैयार किया ऐसा सब किसान भाई करे। हाँ जैसे मच्छर है इली है कीड़े है सब में बढ़िया असर आवे इनसे दवाई से और घरेलू दवाई है इससे पैसे भी नहीं लगते हैं और घर में ही बना लेते हैं सब कोई भी बना ही सकता है यानी दवाई। हाँ जैसे बाज़ार से दवाई खरीदने लाता है वो 500-700 रुपए की आती है वो असर भी नहीं करती है इतना ये असर करती है। जैसे मिर्ची टमाटर बैंगन सब में छिटक सकते हैं कोई नुकसान नहीं होता है इनसे सब अगर मच्छर है सब भाग जाते हैं छोटे छोटे 15 दिन के अंदर हर छिटकेगा तो कोई दूसरी दवाई छिटकने का मौका ही नहीं मिलेगा इसमें। हाँ जैसे सभी किसान भाई ऐसा दवाई बनाएगा तो फायदा ही फायदा होता है। धन्यवाद। अच्छा वर्षिम भाई तुम्हारे जो दवाई लिंबोलिन जो दवाई है हाँ वो दवाई के बारे में बता दी बहुत बहुत धन्यवाद। वो साहब ने बताया था इसलिए मैंने बनाई इसलिए साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद।